महसूस नहीं कर पाते अपनी डे टू डे लाइफ में। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब हम उस शिविर में थे, हमने एक चीज महसूस करी, तेरा अपन सभा भवन गांधी नगर का छोटा सा गलियारा था, साइड के रूम में आते फोर्थ फ्लोर, चाहे जिन्होंने देखा उनको पता होगा, वहां कोई हरियाली भी नहीं थी, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था प्राकृतिक सौंदर्य जिसे देखकर खुश हुआ जा सके। बार बार पकड़ के चलो कैसर करो, चलो ध्यान करो। हम उन्हें ये सब तो रोज ही चुप के पढ़ते हैं, रोज घर में कर सकते हैं, आप हमें लेक्चर दीजिए क्या नया सीख पाए। लेकिन ऐसे जैन सर आए थे, उन्होंने बार बार एक ही बात कही हमसे, क्या कहा कि नहीं कैसर करवाइए, कैसर करवाइए। लेकिन 2-3 दिन के बाद में हमें असर मालूम चलने लगा उस कायोसर का, जो दिन में हम 2-3 बार कायोसर और ध्यान में प्रयोग कर रहे थे, उसका असर था कि हमारा आनंद का लेवल इतना बढ़ गया था कि आप सोच नहीं सकते कि हम रात में 12 बजे तक भी हंसते हंसते, मतलब ऐसा लगता था कि बरसों से कभी हंसे ही नहीं। वो खुशी कैसे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मजाक बना के, पता नहीं कहाँ से जैसे आनंद का स्रोत फूटता था, हम लोग सब एक दूसरे के साथ बैठकर इतना हंसते थे, खुश होते थे। ये क्या था, मैंने रियलाइज किया, मैंने बहुत डीपली सोचा, घर आके भी सोचा, मुझे लगा ये उसका प्रभाव था। वरना तो हम शादियों में भी जाते हैं, 3-3 दिन साथ ही रहते हैं, खुशियां मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक होता है, फिर भी जब भी हम खड़े होते हैं हम क्या करते हैं, देखा इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या बनाए इतने आइटम, हमारी शादी इससे ज्यादा तो मेरे बेटे की शादी में थे आइटम, हम ये कमियां निकालते हैं। ओह कैसे सच के समझती अपने आप को हीरोइन समझती है, ऐसे कई जुमले हमारी तरफ से, मतलब हम क्रिटिक्स देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहां हम कोई क्रिटिक्स ही नहीं दे रहे थे, हमारा सबका एक आनंद का लेवल था। मैं कहना चाहती हूँ ये ध्यान का असर है, ये उसका जादू ही असर। हमारे बीच में एक व्यक्ति अभी इसी जगह का बताऊँ, अनुभव की बात बता रही हूँ, आप खाली मैं आपके पास पॉइंट छोड़ती जाऊंगी। मैंने बताया कि भीड़ की दोनों जगह में, जहां केवल इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं शादियों में, आप मस्ती करने जाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा इंजॉय करना, सजना, मिरर में अपने आप को देखना, दिन में 100-100 बार देखते हो, और प्रेक्षा ध्यान वाले राग रोज बोलते हैं अपने आप को देखो, प्रेक्षा करो, वहां तो भरपूर प्रेक्षा ही प्रेक्षा तो करते हैं हम अपने आप की, मेरे बाल सुंदर है कि नहीं, मेरी स्टाइल अच्छी है कि नहीं, मेरे गहना सेट हो रहा है कि नहीं, एनी टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर भी हम उस खुशी के लेवल को फील नहीं कर पाते हैं। और जो खुशी का लेवल मैं बताने जा रही हूँ, बता रही हूँ अनुभव के स्तर पर, ये आप तभी अनुभव कर पाओगे तब जब आप इसके अंदर जाओगे। तो इसलिए नेक्स्ट कभी भी, अगर अभी को भी छोड़ दीजिए, हो सकता है 1-3 महीने बाद कभी भी हमें ऐसा मौका मिले कि हमें ऐसा कोई शिविर हो आयोजित यहाँ पे, जब हमें 5 दिन साथ में रहने का मौका मिले या 3 दिन भी साथ रहने का मौका मिले, प्लीज डोंट मिस इट, मिस मत करिएगा। खाली मेरी इस बात को प्रूफ करने के लिए वहाँ आ जाइए कि जो मैं बोल रही थी वो झूठ है या सत्य है। जब तक उसको कसौटी पे नहीं कसते हैं कोई भी चीज को, आपको उसके सत्य का, खुद का जिया हुआ सत्य ही धर्म है, खुद का जिया हुआ सत्य ही अंदर उतार पाते हैं, दूसरे का जिया हुआ सत्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, अगर महात्मा की जी भी यहाँ कहते हैं ना कि तुम ध्यान करो, ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आप नहीं मानोगे। यहाँ सुनोगे गुरुदेव बोल रहे हैं, महाश्रवण जी बोल रहे हैं, अच्छा ही होगा, सही होगा, लेकिन घर जाके आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने उस सत्य को जिया नहीं है। इसीलिए फर्स्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट हूँ, कभी भी ऐसा मौका आए तो प्लीज डोंट मिस इट। तो जो इनिशिएटिव लेकर जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है अभी ध्यान का एक क्रम चालू कर रहे, और जितने लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं ये समझती हूँ वो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत 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 खूबसूरत पीरियड स्टार्ट कर लिया, बहुत खूबसूरत पीरियड स्टार्ट किया है। ये मतलब इसका आप ये मान लीजिए कि ध्यान आप बैठ गए, बात कर ली या बड़ी बड़ी बातें हो गई, इससे आपको ये मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आदमी को इस आशा के साथ बुलाया जाता है कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी पॉजिटिव सोच हो जाएगी, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा, बहुत सारी चीजें लेने की भावना से आप उधर आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने ध्यान सीखने के लिए उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो ध्यान के प्रति, या ध्यान कहूँ मैं, ध्यान शब्द भी नहीं बोल,
का अध्यक्ष है, बहुत युवा है, मतलब युवा है, और सबसे बड़ी बात है इवन मतलब युवा है, अध्यक्ष है, वो आज राजाजी नगर में आके उसने मुझे एक ही बात बोली, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। जब कोई अपर बॉडी हमें सपोर्ट करती है या तो उसका स्वार्थ होता है पहला कि वहां उसको जाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनको आगे बिठाएंगे, दो तीन शब्द रेणु जी बोलेंगे उनके स्वागत में, आयोजक जो भी होगा वो बोलेगा उनके स्वागत। हर बार ऐसा नहीं होता है। हम व्यक्ति का आंकलन कभी कभी पदों के माध्यम से खाली करके बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। ये माध्यम होता है, वो व्यक्ति आज हमारे साथ आए, कल मतलब कल शाम को उन्होंने मुझे रिमाइंडर किया, रीना जी कल चलना है, मैं आ रहा हूँ। सुबह मैंने नहीं किया, मेरे मतलब तैयार होने से पहले उनका फोन आता, रीना जी रेडी, मैं आ रहा हूँ। मुझे मतलब दिल से खुशी हुई, शायद मेरा भाई भी इसी उम्र का होगा। वे ऐसे आप जैसे कितने भाई हैं, बहुत सारे उस एज को क्रॉस कर चुके होंगे, बहुत सारे उस एज को क्रॉस करे हुए नहीं है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट, ये चीज, ये डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मिलता है, जो दायित्व पे रहते हुए भी, पद पे रहते हुए भी ये डेडिकेशन दिखा सके। तो ऐसे लोग जब डेडिकेटेड लोग आगे आते हैं, डेफिनेटली समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण जाता है, तब समाज के लोग पद को गालियां नहीं देंगे, वो अपने को बहुत बड़ा समझता है ना, नहीं तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, तब समाज के लोग बोलेंगे कि नहीं सीखो उनसे, दोनों चीजें साथ चल रही है। आप इन चीजों को जब हमारे साथ, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में उदाहरण से देखेंगे। अभी हमारे बीच में गौतम जी आए हैं, ये भी आपके राजाजी नगर का गौरव है, ये भी आपके राजाजी नगर का गौरव है। हमने बहुत साथ में काम किया है, और ऐसे लोग जब जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है राजाजी नगर की सक्सेस का ये एक बहुत बड़े मतलब सहयोगी है, सेतु बने हैं। रेणु जी शायद आपको इन सब का बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा, तो मुझे खुशी है इस चीज़ की कि ऐसे लोग हमारे साथ साथ जुड़ते हैं तो हमारे समाज में डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी। आज तक आप बात करते हैं हम लोग विपश्यना या कितनी ध्यान की, और भी बहुत सारी विधियाँ, ईशा है और अलग अलग बहुत सारी विधियाँ, उसके बावजूद भी मैं जब मानचित्र पर देखती हूँ परीक्षा क्रम शायद कहीं नज़र नहीं आता है, या कभी नज़र आया तो बहुत हम शिविर में देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल लोग इतने सारे आ गए, 100-150-200 शिविर इंटरनेशनल परीक्षा क्रम के शिविर में आ गए होंगे, लेकिन जिनके यहाँ लाखों की संख्या जा रही है, क्या उनका कभी सोचने पे मजबूर नहीं होते कि मेरे पास सोना है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं वहां क्यों नहीं हूँ जहां पर वो सब लोग हैं? बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे अपर बॉडीज ने इनको कभी इंकरेज नहीं किया, हमारे अपर बॉडीज जो भी हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो लोग भी इस तरह से शायद इसीलिए धर्मचंद जी सेठिया ने एक इनिशिएटिव लिया सिर्फ और सिर्फ ध्यान के, और उन्होंने वो जादू वो करिश्मा बैंगलोर में करके दिखाया। तो ठीक है, अब चेन बनती, उसके बाद आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान का पहला सूत्र मैं ये मान रही हूँ कि जितना जिसके लिए भी आप, ये मत करिए कि आप ध्यान कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ आकर शांति से बैठ गए, पालती पालती मार के बैठ गए, आपको कहा ऐसे करो और ध्यान हो गया, इट्स नॉट द वे, ये रास्ता नहीं है ध्यान का। अगर यही रास्ता होता ध्यान का तो हर कोई कर लेता ना ध्यान। आज पूरे बैंगलोर में कितनी मतलब हमारी फैमिलीज है, अराउंड 3,500 से ज्यादा 4,000 अराउंड फैमिलीज है तो आप पर फैमिली 3 मेंबर्स भी रेशियो निकालते हो, पर फैमिली ओनली 3 मेंबर्स भी रेशियो निकालते हो तो कितने लोग हो जाते हैं? आप मुझे जवाब नहीं देंगे, मुझे काउंटिंग तो नहीं आती है, पूरा बात करना नहीं आता है। कितना हुआ? 12,000। अब पूरे बैंगलोर में अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे जैसे पागल लोग मुश्किल से 200 निकल जाएंगे, शायद संख्या ज्यादा भी हो पर 200 तो निकाल ही लेंगे ना गौतम जी, हम लोग पक्का। तो ये 1200 से 200 लोग निकलते हैं, तो क्या आप ये 200
सब तो कौन कौन सबका व्यू क्या है पता चलना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों, और करते हैं तो क्यों, रीजन रेगुलर करते नहीं है वो 200 में भी।